अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। आइए, इतनी जुर्रत में सरेदार भी कर सकता हूं, इतनी जुर्रत में सरेदार भी कर सकता हूं, अपने लहजे को मैं तलवार भी कर सकता हूं, मैं हूं फनकार, मुझे सारे हुनर आते हैं, वक्त पढ़ने पे मैं यलगार भी कर सकता हूं। तंजिम के एक मशहूर शायर जनाब यूसुफ यलगार से गुजारिश करता हूं कि वाय अपने कलाम से नवा दे के इतनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, राज की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत तवंडर की महफिल में बुलाए जाने पर, इस लफंडर का प्यार भरा हाजिर चार मिसरों से अपने शहरी सफर का आगाज करता हूँ कि गायब होकर भी उर्दू बोलती है, फजा में जैसे खुशबू बोलती है, गैर होकर भी उर्दू बोलती है, फजा में जैसे खुशबू बोलती है, करूँ तारीफ क्या मैं और उसकी, वो सकरा को 71 बोलती है, करूँ तारीफ क्या मैं और उसकी, वो सकरा को 71 बोलती है, और कोई गजलें सुना के लौट आया, कोई नगमे लुटा के लौट आया, कोई गजलें सुना के लौट आया, कोई नगमे लुटा के लौट आया, अरे हो रही थी जहाँ पे तुकबंदी, मैं भी चूना लगा के लौट आया, हो रही थी जहाँ पे तुकबंदी, मैं भी चूना लगा के लौट आया, और ये भी चार मिसरे तू मेरी जोधा मैं तेरा अकबर, कौन जीजा मुझे पुकारेगा, तू मेरी जोधा मैं तेरा अकबर, कौन जीजा मुझे पुकारेगा, वो तेरा भाई मान सिंह मुझको मॉब लिंचिंग में मार डाले, वो तेरा भाई मान सिंह मुझको मॉब लिंचिंग में मार डालेगा। और हजरत ये भी चार मिसरे आप सुबह टीवी पे देखते होंगे, बाबा वर्जिश करते हुए नजर आते हैं, उनका ये कहना है कि सारी बीमारियों का इलाज इसी एक वर्जिश में, चार मिसरे समाप्त फरमाइए कि झोल है करोड़ों का एक जरा सी वर्जिश में, वरना अरे गैरों को मीडिया उठाती क्यों, झोल है करोड़ों का एक जरा सी वर्जिश में, वरना अरे गैरों को मीडिया उठाती क्यों, और योग आसनों से ही गर इलाज होता तो रामदेव बाबा की आंख फट पड़ाती थी, योग आसनों से ही गर इलाज होता तो रामदेव बाबा की आंख फट पड़ाती क्यों। और ये विचार मिसरे कि हिंदू किसी इमाम के आगे नहीं झुकता, मोमिन कभी भी राम के आगे नहीं झुकता, हिंदू किसी इमाम के आगे नहीं झुकता, मोमिन कभी भी राम के आगे नहीं झुकता, अरे झुकने को तो झुक जाते हैं सब उसकी दुकान पर, गंजा किसी अंजाम के आगे नहीं झुकता, गंजा किसी अंजाम के आगे नहीं झुकता। तो चार मिसरे हेलमेट पे समात फरमाइए कि हेलमेट का हुक्म कड़की में गंजे को खल गया, क्या के? और गंजा भी ऐसे वक्त में चाल चल गया, हेलमेट का हुक्म कड़के में गंजे को खल गया, गंजा भी ऐसे वक्त में चाल चल गया, और आंखों में धूल झोंक के ट्रैफिक पुलिस की वो चमकीले सर को पेंट लगाकर निकल गया, चमकीले सर को पेंट लगाकर निकल गया। ये थोड़ा जगनी लहजे में मैं दो तीन कताब सुना रहा हूँ हैदराबादी अंदाज में, कि बुढ़िया का मेकअप देख को बोले बड़े मियाँ, अरे पिछके हुए गाला को इतना सजाते क्या, बुढ़िया का मेकअप देख को बोले बड़े मियाँ, अरे पिछके हुए गाला को इतना सजाते क्या, बेलन उठा तो हाथ में बोली है कि हुजूर घर हो गया पुराना तो रंग नहीं लगाते क्या, घर हो गया पुराना तो रंग नहीं लगाते क्या। और ये चार मिसरे इस ज़ईफ़ी में हसीना नक्को गई और उस पे चौड़ा सीना नक्को गई, इस ज़ईफ़ी में हसीना नक्को गई और उस पे चौड़ा सीना नक्को भई, अरे कट गई यूं ही जवानी और अब कमबख्त ये कैटरीना नक्को भई, कम
भगवती कैटरीना नमको भाई और एक दो तीन ही क्या चारों मीनारों की कसम मांग तेरी मैं सितारों से सजा दूंगा सनम एक दो तीन ही क्या चारों मीनारों की कसम मांग तेरी मैं सितारों से सजा दूंगा सनम। बोली कैकुआ जी उल्लू यू बना रही हमना मुंह में मट्टी बड़ो कुछ तो रखो दाढ़ी का वरम मुंह में मट्टी बड़ो कुछ तो रखो दाढ़ी का वरम। आप भी कह रहे होंगे कि दाढ़ी रखते ऐसे कैसे शेर बन रहा। मैं कहूँगा आपसे कि सर पे सूरज का चढ़ नहीं सकता बेटा अब्बा से बढ़ नहीं सकता सर पे सूरज का चढ़ नहीं सकता बेटा अब्बा से बढ़ नहीं सकता। अरे आप गुंडों की बात करते हो मौलवी क्या बिगड़ नहीं सकता मौलवी क्या बिगड़ नहीं सकता। अरे विचार में से साहब किया आखिरी चार में से वक्त भी कम है कि शायरी में कुछ तो अपना मर्तबा अली करो। ये तो यूँ पढ़ लूंगा कि क्या मिला है शायरी में वाहवाही के सिवा पांडे राम क्या मिला है शायरी में वाहवाही के सिवा। अब तो गर्दिश में सितारे और भी आने लगे और चंद गजलों और नज्मों के फटे कुछ कागजात मारकर पॉकेट मेरी खुद चोर पछताने लगे मारकर पॉकेट मेरी खुद चोर पछताने मिले। शायरी में कुछ तो अपना मर्तबा अली करो या किसी मरकज पे जाकर राब कव्वाली करो। सदर साहब के शायरी में कुछ तो अपना मर्तबा अली करो या किसी मरकज पे जाकर राब कव्वाली करो। और तंग आकर मुझसे एक दिन मेरी बेगम ने कहा मेहर का पैसा निकालो और घर खाली करो।